नमस्ते। आज मैं बहुत ही आसान नाश्ता बनाने जा रही हूँ, उपमा। देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। यहाँ ये तेल गरम हो गया है। सबसे पहले हमने इसमें सरसों डाल दिया, ये काली और वो वाली सरसों मिक्स है। इसके बाद हमने इसमें थोड़ी सी अदरक डाल दी है, कटी हुई अदरक, और ये चना दाल। इसको हम पिंक गुलाबी सा कर लेंगे। हरी मिर्च है, ये हरी मिर्च तीखी नहीं है एक्चुअली, इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा काट ली। बाकी अगर तीखी है तो आप कम कर सकते हैं। मेटल वाले कलछुल से आवाज़ हो रही थी, मैंने लकड़ी का कलछुल ले लिया है। थोड़ी सी इसमें हम ये उड़द वाली दाल डालेंगे, उड़द की धुली दाल तड़के में, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये सूजी मैंने वैसे भून के रख ली है अलग से, सूजी मैंने सूखी भूनी थी बिना घी के। और इसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। प्याज के साथ साथ मैंने इसमें करी पत्ता भी डाल दिया है। करी पत्ता मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाला है, मुझे बहुत पसंद है और ये फ़ायदा भी बहुत करता है। इसके साथ साथ इसमें हमने ये मटर और थोड़ी सी गाजर कटी हुई डाल दी और इनको हम 2 मिनट सॉफ्ट कर लेंगे। सब्जी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें जितनी हमने सूजी लेनी है उसका 3 गुना पानी डाल देंगे, 3 टाइम्स। तो ये मैंने पानी हल्का सा गर्म करके रखा है, मैंने इसमें डाल दिया 3 गुना पानी डाल दिया। और अब ये थोड़ा सा और गर्म हो जाएगा।
और इसमें हम नमक डाल देंगे। ये नमक डाल दिया मैंने पूरे उसके हिसाब से। बस अब इसको हम थोड़ा सा खोलने देंगे, क्योंकि हमारी सूजी रोस्टेड है तो रोस्ट करके रखने से बस बाद में हमें सूजी मिक्स करनी है। अब ये पानी गर्म हो रहा है, ये पानी देखिए खोलने लग गया। इसमें हम ये एक कटोरी भर के सूजी हमने डाल देनी है और इसको जल्दी जल्दी चला देना है। जल्दी जल्दी चलाएंगे जिससे इसमें उल्टी ना पड़े। बस तेजी से हमने चलाना है इसको। और इसके बाद इसको हम ढक देंगे और आंच धीमी कर देंगे। और ये देखिए बहुत बढ़िया उपमा तैयार हो गया है। ये बहुत टेस्टी बना है ये, क्योंकि मैं इसको बनाती रहती हूँ। और लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे। मैंने यहाँ एक नींबू का रस डाला है, बाकी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं नींबू का रस। ये नींबू का रस डाल दिया और खाते समय इसमें थोड़ा सा हम देसी घी भी डालेंगे। ये देखिए ये देसी घी डाल दिया है मैंने और इसको हम चला लेंगे। नींबू का रस डालने के टाइम गैस हमारी बंद होनी चाहिए। और ये देखिए हमारा उपमा तैयार है। अब मैं आपको इसको प्रेजेंट करके दिखाती हूँ और सर्व करने के लिए इस उपमा को मैंने एक कटोरी में डाल दिया है। ये देखिए ग्रीस करके मैंने कटोरी रखी हुई थी, उसमें मैं ये उपमा डाल रही हूँ और उसके बाद इसको हम सेट कर लेंगे। इसमें सेट करने के बाद जब हम पलट कर इसे प्लेट में निकालेंगे तो ये बहुत अच्छी शेप में निकलता है, बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखिए ये बन गया है डिलीशियस उपमा और आपको भी ये बहुत पसंद आएगा। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, इंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को स्माइल विद पूनम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्ते।